हेलो एवरीवन, मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। मैं आपका अपना चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नूर आलम खान, और आज मैं आपको बताऊंगा कि बर्पिंग क्या है, यानी कि डकार दिलवाना क्या है, बच्चों को कैसे डकार दिलवाते हैं, न्यूबॉर्न बेबी को डकार दिलवाने से या बर्पिंग कराने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इसका सही तरीका क्या है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए ताकि नए नए अपडेट आपको टाइम पर मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बर्पिंग जरूरी क्यों है। बर्पिंग कराने से बच्चों को कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि बच्चे के पेट की गैस रिलीज होती है, जिससे कि बच्चों को कंफर्ट होता है। बच्चे को गैस रिलीज होने की वजह से बच्चा फीड अच्छे से लेता है, ज़्यादा फीड ले पाता है, और जो बच्चे को आप लिटाने के बाद बच्चा दूध जो गिराता है, अगर आप अच्छे से डकार दिलवा देंगे या बर्पिंग करवा देंगे तो बच्चा दूध भी कम गिराएगा। तो ये तो थे फ़ायदे बच्चे को डकार दिलवाने के। अब डकार कब कब दिलवाएं बच्चों को, ये भी एक ज़रूरी क्वेश्चन है। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो आपको बच्चे को दो बार डकार दिलवानी है। एक आप जब एक ब्रेस्ट से आप बच्चे को फीड करा रहे हैं और वो पूरा हो चुका हो तब आप बर्पिंग करवा दिए, फिर आप दूसरे ब्रेस्ट से जब फीड करवा चुके हैं, फीड पूरा हो चुका हो तब आप बर्पिंग करवा दिए। अगर आप बॉटल फीड करा रहे हैं तो जितना भी बॉटल में अमाउंट है फीड का या दूध का, आप बच्चे को जब पिलाएं उसको, जब वो हाफ के आसपास हो जाए तब आप बच्चों को बर्पिंग करा दिए या उसको डकार दिलवा दिए, और जब वो पूरा हो जाए तब आप करवा दिए। इसके अलावा कभी कभी बच्चा खुद बताता है, बच्चा दूध लेते लेते फीड करते वक्त के बीच में बच्चा अगर लेना छोड़ रहा है या बच्चा हाथ पे चला रहा है, इरिटेट हो रहा है, तब भी आपको ये समझ जाना है कि बच्चों को बर्पिंग की ज़रूरत है। बेबी को बर्पिंग आप शोल्डर पे भी करा सकते हैं और अपनी लैप पे भी करा सकते हैं। आपको एक बर्पिंग क्लॉथ लेना है। बर्पिंग क्लॉथ एक कोई कॉटन की टॉवल भी हो सकती है इस तरह की, या फिर एक कोई सादा कपड़ा भी हो सकता है जो कि साफ़ हो। इसको आपको फोल्ड करके अपने शोल्डर पर रखना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि बेबी आपका जो भी चीज़ गिराएगा, दूध गिराएगा, वो आपको इसी पे आएगा और आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। उसके बाद फिर बेबी को आपको होल्ड करना है, अपने हैंड को टकल करके बेबी को इसमें सेट करना है, फिक्स करना है, और जो बच्चे के चिन है वो अपने शोल्डर पे रखना है ताकि हेड को सपोर्ट रहे। इस तरह से रख के फिर बेबी को आपको धीरे धीरे पैट करना है, पैट करते रहना है। पैट करने के बाद फिर आपको इसको रब करना है। रबिंग और पैटिंग ऐसे कंटिन्यू करना है 1 से 5 मिनट तक। जब आपका बच्चा डकार ले ले या 1 से 5 मिनट पूरे हो जाए, फिर आपको स्लोली बेबी को होल्ड करके और लिटा देना है। ये बेबी गर्ल लग रही है लेकिन ये है बेबी बॉय है। इसका अभी तक हमने कोई नाम नहीं रखा है। आप लोग कमेंट करके हमें इसका नाम जरूर सजेस्ट करें, और जिसका नाम भी अच्छा लगा तो इनका नामकरण हो जाएगा। तो फिर अगर आपको लैब पे अपने बेबी की बर्पिंग करनी है तो आपको इस तरह से बर्पिंग क्लॉथ रखना है, और अपने बेबी को आपको इस तरह से अपने लैब पे बैठाना है, और अपने इंडेक्स फिंगर से और अपने थंब से बेबी के जॉ को सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने के साथ साथ अपने हैंड की जो मार्जिन है, इस मार्जिन से आप बेबी के चेस्ट को सपोर्ट करेंगे और इससे आप बेबी के हेड को सपोर्ट करेंगे। इस तरह से बेबी आपका सपोर्ट में रहेगा, और इसका हेड और बैक सपोर्ट में रहने के साथ साथ बेबी के गिरने के चांस कम रहेंगे। और इसके बाद फिर आपको हैंड पे वैसे ही पैटिंग करनी है। पैट करने के साथ साथ आपको रब करना है, फिर पैट करना है, फिर रब करना है। इस तरह से आपको 1 से 5 मिनट तक करना है, और जब ये हो जाए तो फिर आपको अपने बेबी को होल्ड करके आपको लिटा देना है। तो अब मैं बर्पिंग के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी बर्प नहीं करता है, तो ऐसे कैसे परेशान ना हो, हो सकता है जिस टाइम बच्चा ने फीड लिया हो उसी टाइम पे बच्चे ने अपने स्टमक की एयर निकाल दी हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि बच्चा आपका बर्पिंग करते वक्त दूध गिरा दे। कोई बात नहीं, आप एक कॉटन से या किसी क्लॉथ से बच्चे के माउथ को वाइप कर दिए, उसके बाद बर्पिंग कंटिन्यू करिए। ये जो मिल्क बच्चे ने स्पीड किया है ये एक्स्ट्रा है, जो कि बच्चे ने अपनी स्टमक की कैपेसिटी से ज़्यादा ले लिया है, या जिस वक्त तो एयर बाहर आ रही होती है वो अपने साथ थोड़ा सा मिल्क भी बाहर लेके आ सकती है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं वो बॉटल फीड बच्चों के मुकाबले कम बर्प करते हैं या कम डकार लेते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीड में जो एयर की इंजेक्शन होता है वो जो बॉटल फीड वाले बच्चे होते हैं उनसे कम होता है।
अगर आप बर्पिंग प्रॉपर नहीं कराते हैं, बच्चों को दूध पिलाने के बाद ऐसे ही लिटा देते हैं, तो हो सकता है कि आपके बच्चों को कोलिक पेन की प्रॉब्लम हो जाए या इवनिंग कोलिक की प्रॉब्लम हो जाए। इवनिंग कोलिक प्रॉब्लम होने पर आपको क्या करना है, कैसे आपको उसका ट्रीट करना है, उसके लिए मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई है, आप आई बटन क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और जो भी आपके सजेशन हैं, जो भी टॉपिक आपको देखने हैं, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और देखते रहिए हमारे चैनल हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।